पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले बालासोर ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। रेल हादसे की जांच करने के लिए मौके पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। 2 जून को हुए बालासोर रेल हादसे में अब तक लगभग 275 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच करने पहुंची सीबीआई अब इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार तीनों ट्रेनों के आपस में टकराव की वजह किसी तरह की साजिश थी या कि महज एक हादसा जिसमें इतने बेगुनाहों की जान चली गई। देखिए, सीबीआई की टीम अपना ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करती है। दे वर्क डिस्क्रीटली, तो दे आर डूइंग देयर जॉब, दे वर्क साइलेंटली और वो अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पे लोग हैं जहाँ सीआरएस सीबीआई सब लोग काम कर रहे हैं। दे आर कलेक्टिंग एविडेंसेस। सर, जैसा कि सीआरएस की जांच कर रही थी तो और सीबीआई आई जी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। दोनों एक दूसरे का जो भी हेल्प है वो भी किया जा रहा है। रेलवे से भी जो असिस्टेंस है वो दिया जा रहा है प्रॉपर। जो भी चीज़ उनको चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था कि एविडेंसेस को सिक्योर करने के लिए, तो भी आप देख रहे होंगे कोचेज को हमने सिक्योर करके रखा है। जितने भी रेल्स जो थे, डैमेज रेल्स थे, स्लीपर्स थे, वो सबको अलग करके रखा गया है ताकि उसका एविडेंसेस टैम्पर ना हो। जो हमारी फाइल्स थी, जो मशीन्स थी, जो डेटा लॉगर्स की रीडिंग थी, सारा चीज़ को हमने सील करके रखा हुआ है और उनके सीआरएस एंड सीबीआई को पुटअप किया जाएगा। सारे एंगल्स की जांच की जाएगी, सिग्नलिंग एस्पेक्ट, ऑपरेटिंग एस्पेक्ट, टीआरडी एस्पेक्ट, मतलब एवरीथिंग विल बी लुक्ड इन, ट्रैक पैरामीटर्स, एवरीथिंग विल बी लुक्ड इनटू इन डिटेल बाय देम। देखिए, सीआरएस की टीम भी 2-3 लोकेशंस पे एक साथ काम कर रही है। एक टीम खड़गपुर में है, एक टीम बालासोर में है, एक यहाँ पे है भाना बाजार में है, तो सारे लोकेशंस पे अलग अलग लोकेशन से काम हो रहा है। दे आर डूइंग, जितने इन्फॉर्मेशन से सारा वो कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कंट्रोल यूनिट की बात करें, सिग्नल यूनिट की बात करें, तो सभी के डाटा को रिकलेक्ट करना, जांच करना, बिल्कुल उनकी टीम आती है, अच्छी खासी टीम आती है, स्पेशलिस्ट की टीम होती है, अलग अलग फील्ड्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे आप डेटा लॉगर की बात करें तो सिग्नलिंग की टीम होती है, जो ट्रैक पैरामीटर्स होते हैं उसमें पीवे की टीम्स होती है, स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोग, वो सारा डिटेल्स ले रहे हैं और जैसे जैसे वो कंक्लूजन्स निकालेंगे, जैसे कंक्लूजन देते हैं बिल्कुल बिल्कुल। फॉरेंसिक टीम भी है, सीबीआई की टीम है, सब लोग यहाँ पे टैंडम में काम कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी का इस हादसे पर हो रही सीबीआई जांच को लेकर क्या कहना है, सुनिए। एनडीआरएफ बहुत जल्दी रिस्पांस की, बहुत समय से वहां पर पहुंची और एनडीआरएफ ने वहां की स्टेट का जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फोर्सेस थे उनके साथ, जिले के साथ और जो भी सहयोगी लोग वहां पर काम कर रहे थे, सबके साथ बहुत अच्छा समन्वय बनाया। बहुत बड़ी दुर्घटना थी, बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई थी, लोग घायल हुए थे, उस समय संवेदना की आवश्यकता थी। हमारे इस एनडीआरएफ ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ प्रदेश सरकार, हमारे रेल मंत्री जी के नेतृत्व में इस तरह से काम किया जिससे इस बड़ी दुर्घटना में जो भी लोग पीड़ित हैं उनकी, जो भी हम उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़ सकें, उनके परिवारों के साथ जुड़ सकें, वैसा प्रयास किया। एनडीआरएफ के डीजी अतुल कारवाल ने बताया कि वहां हादसे की जगह कैसे एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला, साथ ही उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों की भी खूब तारीफ की। हमारी एक आरआरसी है तो एक टीम वहां हमेशा रहती है, तो इतला मिलते ही वो 10 मिनट के अंदर रवाना हुई और 1 घंटा 15 मिनट के अंदर वो स्थल पे पहुंच गई थी पहली टीम। फिर हमने 8 टीमें और रवाना की, 9 टीमें, ताकि हम वहाँ एक पर्याप्त से अधिक मात्रा में उपस्थित रहे। रिजर्व हमने कहीं और रखने की बजाय वहीं पैक कर दिया ताकि वहाँ मैन पावर की, इक्विपमेंट की शॉर्टेज ना हो। ऑर्डर है, बड़ी अच्छी फोर्स है, उड़ीसा की जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, कम्युनिटी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोग बहुत इकट्ठे हो गए। कई बार हम देखते हैं कि इतने इकट्ठे होने से काम करने में दिक्कत होती है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया, खाना खिलाया जो भी लोग वहाँ थे ट्रेन में, जो बाहर निकले थे, पानी पूरा पिलाते रहते थे। हमारे रेस्क्यूअर्स जो इतनी हीट में काम कर रहे थे और कोच के अंदर एक ओवन की तरह का होता है, इतनी गर्मी थी और हमारी पोशाक रक्षण के लिए अच्छी है लेकिन गर्मी में काम करने में तकलीफ ज़्यादा होती है, तो अंदर आ के हमारे लड़कों को वो पानी पिलाते रहते थे पीरियडिकली ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। मुझे जानने को मिला है कि 1,000 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है गाँव वालों ने, तो
तो इतना अच्छा उनका रिस्पांस था। तो कम्युनिटी हमेशा वहीं उपस्थित होती है जहां होता है, इसलिए कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुद को बचा पाना, बाजू वाले को बचा पाना, वो पहला एक उनका काम होता है और वो हमेशा उपलब्ध होते हैं। तो एक अच्छा वहाँ रिस्पांस अच्छा रहा। बहुत एक दुखद हादसा हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ है काफ़ी बड़ा, लेकिन रिस्पांस में हमने काफ़ी चीज़ें नहीं सीखी, हम और बेहतर कर पाएंगे। ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है या अभी भी चल रहा है, कुछ काम बाकी है? ऑपरेशन खत्म हो चुका है, रेलवे ट्रैक्स भी सक्रिय हो गए हैं काफ़ी हद तक, सर्च उसकी बहुत बार हो गई है, तो जितने भी विक्टिम्स उनको वहाँ से निकाल लिया गया है। एज एन डीआरएफ वर अमंग द फर्स्ट रेस्क्यूअर्स, तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न रहा होगा, क्योंकि सीबीआई को भी केस दिया गया है? रीज़न तो इंक्वायरी के बाद मालूम पड़ेगा, उसमें अभी कुछ कहना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि जो एजेंसीज इसमें इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर कर रही हैं उनके पास और करंट इन्फॉर्मेशन होगी। तो आशा है कि इससे कम से कम ये होगा कि आगे के लिए इस तरह के हादसे हम रोक पाएंगे। कौन था इतनी मौतों का जिम्मेदार, अब सीबीआई ही बता पाएगी इस हादसे की आखिर असली वजह क्या थी। रेल हादसे वाली जगह सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है।